दोस्तों, ये जो आप सामने गेट देख रहे हो, ये गेट, ये और ये बिल्डिंग भी देख रहे हो, इस बिल्डिंग में रहते थे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब। और इसी बिल्डिंग में, अभी तो वो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं रहे और पहले इसी बिल्डिंग में रहा करते थे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मशहूर सिंगर का घर दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिन्हें हम रफ़ी साहब के नाम से जानते हैं। एक्चुअली उनका जो नाम है वो मोहम्मद रफ़ी साहब है। तो दोस्तों, उनका घर कहाँ पर है और उनके कितने माला की बिल्डिंग है, और वो फ़िलहाल अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दोस्तों जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से और मधुर आवाज़ से बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग हमें दिए हैं, और उनकी यादें हमारे साथ आज भी है। उनके जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमें उनकी याद भी आती है। अगर मैं उनके सॉन्ग की बात करूँ तो उन्होंने बहुत, उनके सॉन्ग है जैसे कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, और एक सॉन्ग है गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरे रंग तो दिन में ढल जाएगा, ऐसा कुछ गाना है। और एक है पत्थर के सनम तुमने तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, और मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इसी तरह के बहुत सारे सॉन्ग हैं दोस्तों जो उन्होंने हमें दिए हैं, और हम आज भी सुनते हैं तो एक अलग ही इंजॉय करते हैं उनके गानों को लेकर। तो उनकी गाने को सुनकर एक अजब ही बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है दोस्तों। तो दोस्तों, उनका घर कहाँ पर है, उन्होंने वो कहाँ पर रहा करते थे, और उनकी बायोग्राफी, उनकी डेथ कब हुई थी, आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और लेकर चलते हैं आपको रफ़ी साहब के घर के पास, हम जा रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्डिंग के पास। जैसे कि आप मेरी बैकग्राउंड में ये जो 5 माला की एक बिल्डिंग देख रहे हो ना दोस्तों, इसी बिल्डिंग में रहा करते थे हमारे बॉलीवुड के मशहूर एंड बहुत ही फेमस सिंगर, जो कि जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से हज़ारों लोगों का, बल्कि लाखों लोगों का दिल जीत लिया था दोस्तों। अभी तो वो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो जब बॉलीवुड में काम करते थे और अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों का दिल जीता करते थे, तो वो उस टाइम इसी बिल्डिंग में रहा करते थे दोस्तों। और इस बिल्डिंग का जो नाम है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है रफ़ी मेंशन, वो मैं अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा पास जाके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है ना दोस्तों, एक मस्जिद है। जैसे कि आप यहाँ पर एक माइक भी लगा हुआ देख सकते हो, तो यहाँ पर 5 टाइम की नमाज यहाँ पर होती है, जो कि आसपास के बिल्डिंग वाले यहाँ पर आते होंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पर रफ़ी साहब की याद में यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, और बाकी की ऊपर के फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर मस्जिद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5th और 5th फ्लोर पर इनकी पूरी फैमिली रहती है दोस्तों। रफ़ी साहब तो भी यहाँ पर नहीं है, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है। इनकी फैमिली में कौन कौन यहाँ पर रहता है वो सब मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ उनकी बिल्डिंग का नाम और उनकी बायोग्राफी। दोस्तों, ये जो आप सामने गेट देख रहे हो ना, ये मस्जिद का गेट है, और इसके जस्ट पीछे की साइड से बिल्डिंग का गेट है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रफ़ी मेंशन प्लॉट नंबर 43 TPS और पूरा 28 रोड बैंड्रा, पूरा एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है बैतुल रफ़ी। और ये इनकी बिल्डिंग है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो 5 माला की बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बिल्डिंग है मोहम्मद रफ़ी साहब का परिवार कोटला सुल्तान सिंह गांव से ताल्लुक़ रखता था, जो कि अभी अमृतसर गांव के करीब में है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 24 दिसंबर 1924 में। इनका निकनेम था पीकू, लेकिन कौन जानता था कि इतना छोटा लड़का आगे चलकर इतना महान गायक बनेगा। बचपन का एक किस्सा बहुत मशहूर था कि इनके घर के पास एक फकीर रोज़ाना आकर गाना गाया करता था, और जब वो गाना गाते गाते थोड़ी आगे की तरफ जाने लगता तो रफ़ी साहब भी उसके पीछे पीछे चले जाते, और वो आगे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाया करता था, और छोटे से रफ़ी साहब यानी कि उसका गाना सुनते रहते थे। शुरू शुरू में जब इनका परिवार को पता चला कि इन्हें गाने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो शुरू में तो इन्हें थोड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में परिवार की रजामंदी से गाना गाने की ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। इसी बीच रफ़ी साहब के बड़े भाई की मुलाकात जब अब्दुल हमीद से की गई, तो उन्होंने सलाह दी कि इन्हें मुंबई ले जाया जाए और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए।
तो फिर सन 1944 में ये मुंबई चले आए थे। किस्सा मशहूर रहा, इनके घर के पास मेला लगा हुआ था जहाँ पर सिंगर कुंदन लाल सागर गाना गाने के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी लाइट चली गई। तभी सभी ने सुझाव दिया कि ये 13 साल का लड़का मोहम्मद रफ़ी जब तक लाइट नहीं आ जाती जब सबका मनोरंजन करे, जब लाइट आ जाएगी तब सहगल अपना गाना शुरू करेंगे। मुंबई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा और मुंबई के भिंडी मार्केट में ये हमीद भाई के साथ जैसे तैसे पहुंच गए, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई श्याम सुंदर के साथ। इन्होंने पहले भी अपने रफ़ी साहब को मौका दिया था। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई मशहूर लेखक से जिनका नाम है नौशाद अली, और आगे चलकर मोहम्मद रफ़ी साहब इनके खास सिंगर बने। अभी सफ़र शुरू ही हुआ था कि भारत का बंटवारा हो गया। इसी बीच इनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन रफ़ी साहब ने फैसला किया कि वो इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन इनकी बीवी ने फैसला किया पाकिस्तान जाने का, और फिर ये पाकिस्तान चली गई और इन दोनों में दूरियां हो गई। उसके बाद इनकी शादी हुई बिल्कीस जी से, जिनसे इन्हें पूरा परिवार मिला। रफ़ी साहब सिंगिंग में कदम आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे हर बड़े हीरो की आवाज़ यही बने, चाहे वो दिलीप कुमार हो या देवानंद, राजेंद्र कुमार रहे या शमी कपूर, हर एक की आवाज़ के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को ही चुना जाता था। हर बड़े संगीतकार, चाहे शंकर जय किशन हो या रोशन या एसडी बर्मन या नौशाद अली, हर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम करना चाहता था। हैरानी की बात तो ये है, मोहम्मद रफ़ी साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी ये गाने की रिहर्सल करना चाहते थे। गाने की रिहर्सल करते करके इनकी तबीयत बिगड़ती गई। लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन रफ़ी साहब को रिहर्सल ज़्यादा ज़रूरी लगी। लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर भी गए, और बहुत वक्त गुजर चुका था। और 31 जुलाई 1980 वो दिन था जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा और इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना दोस्तों, इसी बिल्डिंग में पहले यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला हुआ करता था मोहम्मद रफ़ी साहब का, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर रह चुके थे। लेकिन अभी यहाँ पर इनकी फैमिली बहुत बड़ी है दोस्तों, इसलिए इस बंगले को तोड़कर यहाँ पर 5 माले की एक बिल्डिंग बना दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसी बिल्डिंग में अब इनकी पूरी फैमिली रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैंने आपको दिखाई है मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्डिंग, ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पूरी बिल्डिंग इन्हीं की है। और नीचे की साइड में जो है वो एक मस्जिद बनाई गई है मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे एक वो मोमडन परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। और अगर आप भी यहाँ पर कभी आना चाहते हो तो आप कांटा रोड पर अगर आप जाते हो तो एक रोड पड़ता है टर्नर रोड का, आपको एक बीच में ही एक रोड नंबर 28 मिलेगा देखने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर लिखा हुआ है श्री नरसिंह मेहता मार्ग रोड नंबर 28। तो आप भी यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और यहाँ पर आकर मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्डिंग को देख सकते हो, या वीडियो व्लॉग जो भी आपको बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको उनकी बिल्डिंग दिखाई है, उनकी बायोग्राफी, और उन्होंने किस किस मूवी में अपने सॉन्ग दिए हैं, और उनकी डेथ कब हुई थी, अभी तो वो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो सब मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई लोकेशन और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, टेक केयर।